हमारे साथ मौजूद हैं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ। बालकनाथ जी, स्वरा भास्कर एक अभिनेत्री है, वो ये कह रही है हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर रही है। किस प्रकार से हिंदुत्व की तुलना तालिबान से? मेरे को तो बड़ा शॉर्ट लगा ऐसा सुनकर कि किस प्रकार से, कैसे उन्होंने ये बयान दिया और कैसे समझा। मैं तो वास्तव में चकित हूँ उनकी इस बात को सुनकर। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का सनातन धर्म, जिसने तमाम विश्व भर की मानव सभ्यताओं को जन्म दिया है, पूरी दुनिया भर की मानव सभ्यताएं इसी संस्कृति से निकल कर आगे बढ़ी हैं, और उस संस्कृति ने सदैव वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से पूरी न केवल मनुष्य की बल्कि जीव जंतु हर एक पूरी प्रकृति के कण कण की सेवा की है। ऐसे सनातन धर्म को इस प्रकार से कहना, मैं कहता हूँ मानसिक रूप से बीमार हो सकती है। बालकनाथ जी, जिस तरह से तालिबान क्रूरता वहाँ पे तस्वीरें सामने आ रही है, और भारत में ही कुछ लोग, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर आपका क्या? देखो, इस बारे में तो मेरा कुछ नहीं कहना है। हम तो अपने देश के बारे में बात कर सकते हैं, हमारे देश में चल रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के बारे में बात कर सकते हैं। हमें इतना समय नहीं कि हम दूसरे देशों के बारे में बात करें, हम तो अपने देश के आगे बढ़ाने के कार्यों में लगे हैं। पर देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ने, और उनसे हमारे देश की जनता अपने आप निपट लेगी। तो क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में जनता जो इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, चाहे उसी दिन ओबीसी हो? देखो, जनता सबसे बड़ी हमारे देश की मालिक है और हमारे संविधान की मालिक है, और जनता जनार्दन ही सब कुछ है। वो समय आने पर सबका जवाब देती है और दे भी रही है। उसी प्रकार से हमारे आस्था के देवी देवताओं के हमारे स्वरूप, हमारे देवी देवता भगवान स्वरूप, हमारे परमात्मा, वो भी समय आने पर सब दंड देते हैं। बालकनाथ जी, एक सवाल है, आप अलवर से आते हैं, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी कह चुके हैं कि अलवर सिरमौर बढ़ता जा रहा है रेप की घटनाओं में, और अलवर में धर्मांतरण के मामले भी सामने आ रहे हैं, इस पर आप? बिल्कुल, वहाँ पर जिस प्रकार का सरकार के साथ सम्मिलित वहाँ के जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से खुला तांडव अलवर में चल रहा है, किस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सब उसी के फलस्वरूप है कि आज अलवर के अंदर जितने भी सत्ताधारी सरकार के नेता हैं, उन नेताओं ने जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण दे रखा है, उसी के कारण वहाँ पर अपराधी खुलेआम घूमते हैं। ऐसी हत्याएं, ऐसी घटनाएं, ऐसी लूट खसोट, रेप की घटनाएं निरंतर वहाँ पर संचालित हैं, और उसी के साथ साथ में धर्म परिवर्तन के बहुत मामले देखने को, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, और भी हमारे सनातन धर्म के सभी संगठन कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रकार से इनको ये तांडव करने नहीं देंगे। ये बाबा बालकनाथ जो कि अलवर से सांसद है, खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पर स्वरा भास्कर जो अभिनेत्री है उन्होंने हिंदुत्व की तुलना तालिबान से की थी, उस पर निशाना साधा, साथ ही किस तरह से नाथ संप्रदाय का एक शब्द पर विरोध था जिसको हरियाणा सरकार ने पाबंदी लगा दी है, उस शब्द के बाद अब जो बाबा बालकनाथ है जो खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं, उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं क्योंकि इस शब्द से हमारे पूरे संप्रदाय को आपत्ति हो रही थी। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।